किसी भी प्रकार आपदा की स्थिति, भूकंप इत्यादि के समय पुलिस प्रशासन की तैयारियों को जांचने के लिए शुक्रवार को शहर में मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में प्रशासन, पुलिस, सेना, NDRF, ITBP, होमगार्ड, सिविल डिफेंस की टीमों ने एक साथ मिलकर विभिन्न बिल्डिंगों में फंसे 120 लोगों की जानें बचाई। जाते ही इसको कम्युनिकेट किया गया, प्रॉपर इंश्योर किया गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू ना हो और टाइमली कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो वो पुलिस ने बखूबी निभाया। कितने पुलिस के जवान हैं इस अभियान में से जुड़े? इसमें टोटल 200 के आसपास थे। कितनी जगह पर रहे? जैसे 6 जगह जो है सही सही था। आज प्रशासन द्वारा एक आपदा अगर आती है तो उसको बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा जो रिहर्सल किया गया है उसमें किस तरह का क्या रहा है? इसमें जैसा आप सभी को पता है कि आज मेगा मॉक ड्रिल था अनुपेट के ऊपर, जिसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट भी इन्वॉल्व है। तो 10:30 बजे हमें सूचना मिली कि अर्थक्वेक आया है। तो अर्थक्वेक के आने के बाद जो हमारा ड्रिल था कि सभी लोग जो मेन रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं और इंसिडेंट कमांडर और जितने भी लीडर हैं वो सारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में इकट्ठे होंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जैसे ही सूचना आती है हम आगे अपना कार्य करेंगे। तो यहाँ इकट्ठे होने के बाद हमें विभिन्न जगहों से वायरलेस के माध्यम से जहाँ जो डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है या कहीं डेथ हुआ है उसकी सूचना मिली। उसके हिसाब से स्टेजिंग एरिया में हमने वो मैसेज भेजा कि इन जगहों में डैमेज हुआ है, वहाँ से फिर टीमें भेजी गई जहाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। इसमें जो मुख्य बात ये है कि जो सब टोटल 5 साइट थे, इसमें लगभग 92 व्यक्तियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आई थी। 120 लोग थोड़ी थोड़ी उनकी चोटें थी, 7 लोगों के मरने की खबर आई थी। कुछ बिल्डिंगें गिर भी गई थी, जैसे कच्चे क्वार्टर में कहीं बिजली पावर का सप्लाई बाधित हुआ था, जैसे सेक्टर 14 में गैस पाइपलाइन भी लीक हुए थे। कुछ पेड़ भी गिरे थे लाना रोड पर। फिर इसके हिसाब से गौशाला की सेट भी गिरी थी, तो 7 गाय भी इंजुरी हुई थी। तो उसके बाद हमारी टीम जिसमें आर्मी की भी टीम थी, NDRF भी थे, ITBP के भी मेंबर थे, होम गार्ड्स थे, सभी ने मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कंप्लीट किया है, जिसमें मुख्य भूमिका स्वास्थ्य विभाग की भी रही है। इन्होंने भी अपना समय से रहते हुए जो भी उनको ऑपरेशन करना था वो कम्प्लीट कर। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था नहीं रहती कि पूर्ण रूप से अगर कोई गंभीर घायल है तो उसका उपचार कर सके, तो कहाँ रेफर किया गया, रोहतक या दिल्ली? इसमें जो उनकी इंजुरी के हिसाब से हम अभी रोहतक रेफर किया गया। आगे जो आगे असेसमेंट अभी चल रहा है उसके हिसाब से आगे भी जो होगा वो कर देंगे। अर्थप्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।